सत श्री अकाल दोस्तों, मिति 25 अगस्त 2023। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू ते आपां गल करांगे। जेडे भी स्टूडेंट्स ये दो भर्तियां दे नाल संबंधित ने, चाहे तुसी 3 ऑफ 2022, ठीक है जी, या फिर तुसी 15 ऑफ 2022 क्लर्क, दोवां दे विचों किसी भी क्लर्क दे नाल तुसी संबंधित हो, तां तुहाडे लई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भावें तुसी तुहानू टाइपिंग दे लई बुला लिया या फिर तुसी एक दो नंबरों से कुछ नंबरों से रह रहे हो, तां वी तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किवें आपां बहुत सारिया सीट्स नू बचाया जा सकता है, तो किवें जिहड़े स्टूडेंट्स एक एक दो दो नंबरों से रह गए, कुछ नंबरों से रह गए, उन्हां दा चांस बन सकता है। ठीक है जी, मेरे वल्लों एक मतलब मैं थॉट आया माइंड दे विच, हुण भावें तुहानू ये इशू दा रियलाइजेशन ना होवे, लेकिन जो जिस दिन यह डी वी होगी, जदों जॉइनिंग दी गल आई, उस दिन यह इशू रेज़ हो जूगा, एंड उस दिन फिर आपां नूं रियलाइज़ होगा भी आपां की खो बैठे। ठीक है, तो अज्ज आपां इस चीज़ नूं प्रिवेंट कर लाँगे, तो बाद चों आपां नूं क्योर करन दी सोचण दी लोड़ नहीं, तो प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, हमेशा याद रखियो। सब तो पहला प्रॉब्लम की है जी, ये चीज़ समझन दी लोड़ है, तुहानूं सब नूं पता होगा भी जिहड़ी 3 ऑफ 2022 वाली है, तो यह वाली जिहड़ी नोटिफिकेशन है, ये लगभग 917 पोस्टां ने जी। ठीक है जी, मैं अप्रोक्सीमेटली दस रहा, हो सकता 10 भी उत्ते नीचे होण, तो 15 ऑफ 2022 जिहड़ी 22 है, ये लगभग 739-740 पोस्टा, 738 पोस्टा, 5-7 कुछ पोस्टा पीछे घटाती से पिछले नोटिस आया। ठीक है जी, यही जितक मैं समझदा, हो सकता कि 10 भी उपर नीचे फर्क हो, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। जिहड़ियां आह वाली पोस्टा ने, तुहानू पता है कि इन्हां दोवां दा रिजल्ट आ गया, टाइपिंग दे लई उन्होंने लिस्ट बुला ली। ठीक है जी, हुण ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तुहानू पता कि मैं कहां कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिहड़े हैगे ने, प्रॉब्लम की है, सब तो बड़ी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी जिहड़ी इशू रेज होगा, वह की है कि पहले 1000 स्टूडेंट्स दोवां दे विच की ने जी कॉमन ने, तो इहदा मतलब वो सीट्स खराब हो जाणगियां, आपां इही सोचदे हां ना भी, क्योंकि अगर पहले 1000 स्टूडेंट्स कॉमन ने तो वह दोवां दा टाइपिंग टैसट लै लिया, क्योंकि इकट्ठा हो रहा टाइपिंग टैसट का रिजल्ट आ गया, की आ गया जी, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तो बाद दोवां दी की हो जूगी जी, डी वी होगी, दोवां दी की होगी, डी वी होगी। हुण बई जदों एक चीज़ समझने वाली है, जो स्टूडेंट्स ने तो दोवें डी वी ते चला गए, अगर वह दोवें डी वी ते चले गए तो इहदा मतलब यह हो गया कि वह सीट खराब होगी, उस तों बाद वेटिंग लिस्ट आऊगी, नहीं आऊगी, पता नहीं कदों आऊगी, जदों डी वी ते चले गए इहदा मतलब वह सीट खराब होगी जी, इन्नी गल आपां नूं समझ आ गई। तो हुण की करना, आपां डी वी तो जाण तो रुकना, की करना, डी वी तो जाण तो रुकना, तां ही जिहड़े नवें स्टूडेंट्स ने उहनां नूं चांस मिल पाऊगा, अदरवाइज़ इह इक सीट दोवां दे विच कोई भी सीट खराब हो जाऊगी। हुण तुहानूं जिवें तुसीं जित तक सोचिया होगा या मैनूं नहीं पता, तुसीं नूं कितों ना कितों पता लग्गिया होगा भी इह कहा जा रहा है, यह सोचा जा रहा भी दोवां दे विचों इक भर्ती पहलां हो जाए, अगर दोवां दे विचों इक भर्ती पहलां हो गई या एक टाइपिंग टैसट इकट्ठे लै लिया, एक दा रिजल्ट पहलां करके डी वी पहलां कर ली, तो इहदा मतलब की है, पहलां स्टूडेंट्स उहदे विच सिलेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, फिर दूसरे वाले नूं मौका मिल जूगा। जिवें सपोज़ कर लो, आपां कहिंदा भी 1000 स्टूडेंट कॉमन ने, सपोज़ कर लो पहलां उन्होंने आह करवा ली, अगर आह करवा ली तो इहदे विच की है, जिहड़े नवें स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं उन्हां दा नाम आ जूगा लिस्ट दे विच, इहनी गल समझ आ गई। हुण दिक्कत की है, हुण जित तक सुनने मिले वो सुनने मिले कि वह पहला 3 आह वाली एडवर्टीजमेंट जी है पूरी करा लेंगे जी। ठीक है, सपोज करो उन्होंने आह एडवर्टीजमेंट पूरी करा ली, उदू बाद फिर भी दिक्कत रहूगी, अगर उन्होंने आह एडवर्टीजमेंट पहला पूरी करा ली, क्यों दिक्कत रहू, क्योंकि ये वाली जी एडवर्टीजमेंट है, ये मैक्सीमम जड़िया पोस्टा ने वह कोपरेटिव बैंक दियां ने, मैक्सीमम पोस्टा कि ने जी, कोपरेटिव बैंक दियां ने। ठीक है, तो हुण ये 917 पोस्टा कुल टोटल ने, ये 740-740 पोस्टा ने, मैं लगता है देखो 917 पोस्टा कुल ने जी, वो तुम देखोगे 938 पोस्टा कोपरेटिव बैंक दियां ने, किहदियां बैंक दियां, कोपरेटिव बैंक दियां, बाकी रिमेनिंग पोस्टा 3 या 4 डिपार्टमेंट्स ने उहदियां पोस्टा ने, लेकिन ये देखोगे 749 पोस्टा ने। ठीक है, ये देखोगे सारिया तो सारिया पोस्टा ही किहदियां ने, डिपार्टमेंट दियां ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दियां ने। हुण एक चीज़ मैं तुहानूं ये भी दस दिना भी दोवां दे विचों प्रेफरेंस किहनूं देनी चाहीदी है। ठीक है, देखो जिहड़े आ कोऑपरेटिव बैंक है जी, ये एक सरकारी कंपनी है, एक ही है सरकारी एक कंपनी है, जिहड़ा ये डिपार्टमेंट्स ने, है ना, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट का हो सकता है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट टैक्सेशन का डिपार्टमेंट हो सकता है, वह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट हो सकता है, वह कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, पंजाब दे विच वह सरकारी डिपार्टमेंट है, तो सरकारी डिपार्टमेंट दे विच जाना हमेशा बैटर होंदा रदर दैन सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी नाल कदों भी कुछ भी हो सकता है, ऑल दो आपां नूं पता है भी चलो सिक्योर एंड ठीक है, लेकिन यह उरे तुसी एक्चुअल दे विच सरकार का हिस्सा बन जाओगे, उरे तुसी सरकारी कंपनी का एक हिस्सा, वह कंपनी कदों भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहली गल तो आपां नूं
सोचनी चाहिए है। थोड़ा सबनों पता होगा कि ONGC जिहड़ियां बेल कंपनी है या फिर होर कंपनियां ने उन्होंने की कर रहे हैं जी, डिसऑन कर रहे हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जिन्हों आप कहने बैंक बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन के जा रहे हैं। तो यह चीज़ा कदों भी हो सकदियां ने, हजे हजे नौबत नहीं आती। मैं थोड़ा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दस रहा भी यह पोस्ट ज़्यादा वधिया होगी तो होगी कि सपोज कर लो कि उन्होंने 3 of 2022 पहला पूरी करा ली, अगर उन्होंने पहला पूरी करा ली तो ये फिर की होगा स्टूडेंट्स ने कोऑपरेटिव बैंक सपोज कर लो भी DB चले के ज्वाइन कर लिया, उदू बाद किसी पूछेंगे यार भी मेरा ये भी नाम आ गया, फिर वो इतों छड़ के कि आएंगे डिपार्टमेंट्स के आएंगे, यदा मतलब फिर जो सीटा ने सारिया सीटा की हो जाएंगी खराब हो जाएंगी। तो यदा मत कहने का मतलब की है भी दोवों के अगर तुम सुपीरियर सीट देखोगे दोवों के सुपीरियर सीट कि होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर ये अगर तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिल रहा है वह होगी। बाकी होर बहुत सारे फैक्टर होंगे ने कि लोकेशन थोड़े घर के नेड़े हैगी है नहीं हैगी, तुम बैंकिंग ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बैंकिंग थोड़े दो शनिवार भी लाने पैंते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ने जी, है ना, हर किसी की अपनी परसनल चॉइस है। मैं तुम्हें जनरल व्यू दसिया, प्लीज़ पार्डन मी अगर तुम लगता भी यार मेरे लिए तो आ वधिया मेरे लिए वधिया, वो अलग दी परसनल चॉइस है, मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देता भी यह इशू आऊगा। तो हूँ फिर यदा सल्यूशन की है जी, ठीक है, मैं तुम दसती सारी चीज़, उस तो बाद फिर जो सल्यूशन है, सल्यूशन की चीज़ है, एक ही सल्यूशन है कि पहला तो इसे पूरा करा लो, अगर पहला वह इन पूरा करा लेंगे कहने का मतलब टाइपिंग टैसट हो गया, उदू बाद पहला DV लै लन, DV लैके रिजल्ट पहला दे दें, उत्थे भी गल खत्म नहीं होंगी जी, ए रिजल्ट देने तो बाद फिर यह जो लिस्टा ने यह किनू जानगियां जी, डिपार्टमेंट्स में जानगियां, किनू जानगियां डिपार्टमेंट्स में जानगियां, तो वह डिपार्टमेंट ज्वाइन भी करा ले। सब तो वड्डी गल तो यह है क्योंकि 2021 लोकल गवर्नमेंट तो होम अफेयरस इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने हजे तक ज्वाइन ही नहीं कराए, ठीक है, स्टूडेंट्स इन 400 कुछ स्टूडेंट ने, स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट्स को जाते हैं, वो कहते हैं सानू PSSB वालों फाइनल लिस्ट नहीं आई, PSSB लवे जाते हैं, वो कहते हैं भी असं तो लिस्ट भेजती, डिपार्टमेंट ने सू लिस्ट भेज रहा, तो 400-450 स्टूडेंट हजे भी घर बैठे ने, एक 1.5 साल हो गया पेपर देते सारा कुछ किते, मैं लगता 2021 दसंबर पेपर हो गया से भाई 12 दसंबर 12 या 13 दसंबर तो हूँ 2 साल होने वाले हो गए, तुम देखो तो यह बहुत सारी चीज़ा ने। तो एक हल की है, मेन जो हल है वो ही है कि अगर यह जो डिपार्ट जी भर्ती पहला पूरी हो जाए, यदि DV पहला पूरी हो जाए तो यद रिजल्ट आ जाए फाइनल, तो वह जो रिजल्ट आऊगा जो डिपार्टमेंट थोड़ा नाम आऊगा, और डिपार्टमेंट थोड़ा ज्वाइनिंग लैटर भी भेज दे तो ज्वाइन कर लो, उदू बाद फिर जो स्टूडेंट्स रहेंगे ये फिर होर स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, जो स्टूडेंट 2-4 नंबर तो रह गए वो स्टूडेंट्स का भी इन्हों नंबर का पूरा पूरा चांस है जी, ठीक है। आई होप कि तुम इस मुद्दे को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भाई एक बार वीडियो जरूर देख लियो। हूँ सल्यूशन तुम्हें दसता जी, ठीक है, कंक्रीट सल्यूशन बनाना तो की है जी, टैलीग्राम ग्रुप बनाया भाई, है ना, तो तुम आह देख सकते हो PSSB क्लर्क इशू 2023, तो यह वाले तुम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के पे, ठीक है, तो ये मैक्सीमम तुम स्टूडेंट्स में जोड़ो, तो जो भी अगर कार्रवाई करनी होगी बाकी सारे टीचर्स भी रिक्वेस्ट है जी कि अगर तुम इस इशू समझ रहे हो, है ना, तो तुम भी इस मुद्दे पर अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करो, जो स्टूडेंट्स तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं, ताकि आप इस पर कुछ ना कुछ विचार के अगे कुछ ना कुछ पक्ता कर सकी। तो अगर यह चीज़ नहीं होगी हूँ हो सकता तुम ये चीज़ को लाइटली ले लो, लेकिन जो ये DVs हो गई जो ये चीज़ें अगे बढ़ गई फिर तुम देखोगे बहुत सारिया सीटा खराब होंगे नज़र आएंगी। अज ही आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे तो आप इस चीज़ तो बच जाएंगे जी, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट थी। बाकी सब शेयर करो ताकि उन्होंने एटलीस्ट इस बारे अवेयरनैस हो, मेन चीज़ तो यही सी वीडियो दस के थोड़ा अवेयर कर दी एक बार, ठीक है जी, धन्यवाद।